तो ये भाई साहब देखिए हमारे फूलों साथ अत्याचार हो रहा है हमारी मम्मी जी, जी जो है सारे फूल यहीं से है तोड़ ले जाती हैं तो ये भाई साहब एक बंदर आ गया है हमारे घर में ये आप देख सकते हैं ये लोग बड़ा उधम मचाते हैं और अभी अभी इसने बगल वाला खप्पड़ तोड़ तुलसी में डाला था उसे पानी यार अब तो यारनीर में पीली पड़ी हो सो हे सत्यम फ्रॉम दिस साइड तो आज मैं आपको अपने घर की बगिया दिखाने वाला हूँ जिसमें मैंने काफी टाइम से मेहनत की और इस बगिया को बनाने में मुझको कम से कम लाइक एक से दो महीने लग गया पूरी बगैस सेट करने में और काफ़ी चीज़ें मैंने काफ़ी सारे पौधे लाए कुछ एंटिक पीसेस हैं यहाँ पर मतलब कुछ एंटिक पौधे हैं मतलब सो पीस वाले पौधे हैं और सब्जियाँ हैं बहुत सारी फूलों वाले पौधे भी हैं कुछ पेड़ वाले पौधे भी हैं पेड़ वाले पौधे क्या मतलब पेड़ ही हैं और क्या तो ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ आप देख सकते हो ये मतलब हमारे यहाँ का लॉन है लॉन टाइप का आप कह सकते हो तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो ये 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 भाई सब लगी हुई है लॉ की यहाँ पर ठीक है और आप ये मनी प्लांट आप देख सकते हो ठीक है मनी प्लांट लगा हुआ है और ये तुलसी जी लगी हुई है हमारे यहाँ ठीक है रामा श्यामा दोनों तुलसी हैं और इसके ऊपर हमारे यहाँ पेड़ लगा हुआ यानी दीवार के उस तरफ पेड़ लगा हुआ है और मैं अभी आपको एक चीज़ और दिखाऊँ तो ये मैंने कुछ वर्टिकल गार्डन टाइप का बनाने की कोशिश की थी तो चलिए ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के मैं आपको पूरा सिस्टम दिखाता हूँ तो हमारा कुछ बीस परसेंट घर जो है वो कच्चा बना हुआ है तो आप इस कच्चे घर को बहुत टाइम बाद हम इसमें मशरूम उगाते हैं बाकी और सिस्टम देख सकते हैं तो ये भाई साहब एक बंदर आ गया है हमारे घर में ये आप देख सकते हैं ये लोग बड़ा उधम मचाते हैं और अभी अभी इसने बगल वाला खप्पड़ तोड़ दिया है <laughs> और एक वहाँ दूर बैठा हुआ है तो काली मुँह के बंदर यहाँ पर खूब सारे आ रहे हैं सो so, ये कुछ हमारा मोहल्ला है कुटला मोहल्ला लाइक गांव जैसी तो चलिए ब्लॉक को कंटिन्यू करते हैं सो so, ये एक वॉशरूम बना हुआ है यहाँ पर और ये बगिया जो मैंने बना रखी है अभी ब्लड दिख रहा है थोड़ा सा क्योंकि धूप ज़्यादा है मतलब अभी मॉर्निंग हुई है सो so, मॉर्निंग के आठ बज रहे होंगे मेरे हिसाब से तो ये कुछ पौधे लगे हुए हैं अभी मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगा यहाँ पर देखिए मैंने बोरियों से पौधे बनाए हुए मतलब बोरियों से गमले बनाए हुए हैं कि इन्हीं गमलों में मैं उगा रहा हूँ पौधे वगैरह को ठीक है सब्जियाँ वगैरह और यदि आपको यहाँ दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर पीछे आप देख रहे होंगे खूब सारे पेड़ लगे हुए हैं चलिए वहाँ दिखाता हूँ मैं एक ये लगा हुआ है एलोवेरा जो जितना फैल गया है और बंदर बहुत सारे ये खूब सारे पेड़ लगे हुए हैं कनेर लगा हुआ है और काफ़ी सारे लगे हैं हालांकि सामने ही एक स्कूल है और प्राइमरी स्कूल है और ये अभी सुदर्शन देख सकते हैं इसका यूज़ आपके कान आने में कोई दर्द हो रहा तो उसको पीस के इसका तेल लगा लें इसका फूल बहुत अच्छा होता है साथ ही पीपल भी लगा हुआ है हमारे घर में एंड ये एक सोपीस प्लांट है जिसको आप पानी में भी उगा सकते हैं वैसे काफ़ी पानी चाहिए होता है मॉइस्चर इसको और ये एक अगेन कनेर रेड वाला है एंड ये वाला कनेर लगा हुआ है तो ये बगिया है और यहाँ मैं दिखा यहाँ थोड़ी मिट्टी भी मैंने रखी हुई है धनिया लगी हुई है यहाँ पर मिर्च और आपकी ये बैगन का पौधा मैंने अभी लगाया है लग बेड़ ला के यहाँ पर बेड़ मिल जाती है और ये मिर्ची है मिर्ची है मिर्ची है ये आम का भाई साहब सूख गए हैं यहाँ पर इसे तो आप पहचानते ही होंगे केली और ये दो गुलाब के फूल लगे हैं फॉर द बेटर पॉलनाइजेशन एंड ये अगेन एक सो पीस है यहाँ पर मैंने नीम लगा रखी मीठी नीम और ये अगेन एक रेड प्लांट लगा हुआ है गुड़हल का जिससे पॉलिनेशन अच्छा हो यहाँ पर तितलियाँ वगैरह आकर्षित हों और वो आके कीड़ों को खा जाएं और आप ये देख सकते हो एक पपीते का पेड़ लगा रखा है मैंने जो कि मेरे हिसाब से कुछ तीन महीने पुराना है और ये आम का पेड़ भी कुछ तीन महीने पुराना पर इसकी हालत ख़राब हो चुकी है अभी हम देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है तो ज़्यादा सेटअप बनाने के लिए मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो मैंने क्या किया ऊपर एक ठटरी लगा दी है ये आप ठटरी देख सकते हैं ये आपको मतलब जो ढाबे वगैरह होते हैं वहाँ पर ऐसी ठटरी लगाते हैं या बहुत सस्ती बन जाती है बाँस से बनती है ये इसको आप बनवाएंगे तो मेरे हिसाब से दो तीन सौ में बन जाएगी ठीक है और ऊपर जो है हम लोगों तो ने ग्रीन मैट लगा रखा है ये सेवेंटी परसेंट धूप को रोक देता है ठीक है अच्छा वाला ग्रीन मैट है ये मुझे पचास रुपये मीटर के आसपास मिला था सिंचाई के लिए ऊपर दो दो टंकियाँ लगी हुई हैं और ये ग्रीन मैट की आप क्वालिटी देख सकते हो ठीक है ये सस्ता वाला है क्योंकि हवा रोकता है और ऊपर वाला आपका वो रोकता है धूप ठीक है और यहाँ पर गुड़हल वगैरह लगा रखे आप देख सकते उसका फूल हाँ दिख रहा है चौकस है ना एकदम हाँ। और यहाँ पर हर जोड़ वगैरह है जो कि हड्डियों के दर्द में बहुत अच्छा होता है हड्डी का जो दर्द होता है उसको ठीक कर सकता है इसको पीस के हम लगा ले तो ठीक और बाकी एलोवेरा वगैरह लगा हुआ है यहाँ पर हुँ? और देखो भाई साहब कौन आ गया टफ़ी तो तुम्हें भी हम ब्लॉग में दिखाएंगे ये देखो छोटा सान आ गया हमारा हाय करो हाय करो टफी अरे, अरे। सॉरी फॉर द लैंग्वेज तो भाई साहब ये हमारे टफी हैं और ये सुबह सुबह हमारे पास आ जाते हैं ये पालतू नहीं है पालतू जैसा है और इससे मुझे बहुत प्यार है तो ये आप देख सकते हो कि ये भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है हालांकि सारे जानवर मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं यहाँ के जितने गाय बैल आते हैं उनको खाना वगैरह में खिलाता हूँ तो भाई साहब प्यार तो मुझसे करेंगे ही करेंगे है ना और ये भी भाई साहब हमारे बहुत प्यार करते हैं क्यों क्यों तो छोटू इसे पूछ आपको देख रहे हो ना हाई करो अब वो नींद खुली ये एक जंगली पौधा भाई साहब जो आगे लग रहा लगा हुआ दिख रहा है आपको ये फाउंटेंस के पास पाया जाता है ये भी एक औषधि है बाकी पीछे हमारा एक बैगन का पेड़ उगा हुआ है पर इसमें कोई बैगन आ नहीं रहा है क्योंकि मिट्टी बहुत कम थी और ये एक सौ पीस लगा हुआ है और इसमें मैंने मटर के पौधे लगाए हुए हैं जिसमें से एक तो अभी तक जर्मिनेट हो गया है बाकी जर्मिनेट नहीं हुए हैं ये मोर पंखी है बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं इसमें और ये हमने आलू का पेड़ लगा रखा है जिसके आलू अब तैयार हो चुके हैं मेरे हिसाब से तीन महीने तो हो गया होगा तीन महीने हो गए ना मम्मी इसमें तो तीन महीने हो चुका होगा अभी आलू मेरे हिसाब से रेडी है ये आप देख सकते हो ठीक है और ये कुछ मिट्टी रखी है दो अभी बोरी मेरे पास और है और उसमें हम अपना कूड़ा फेंक देते हैं ठीक है तो ये पूरी बगिया है हमारी जिसको बनाने में मुझे ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगाया और मैंने कम से कम पे इसको रखा हुआ है ये सारे गमले जो हैं आप देख रहे हो ये सारे के सारे बोरियों से बने हुए हैं देखो भाई साहब सारे के सारे अब ये कम से कम मेरे से पंद्रह बाई पंद्रह का ये गमला होगा ठीक है सर मैंने आम लगा रखा है और वो हमारी मम्मी पूजा करने आ गई ही सकते हैं आप देख सकते हो तो भाई साहब ये पूजा चल रही है तुलसी में डाला था उसे पानी यार अब तो यार कनेर में पेली पड़ी हो हाँ तो ये सूर्य भगवान की यहाँ पूजा हो रही है सूर्य कहाँ गया बहुत ऊंचाई पे है सूर्य मगर ये सब सुबह किया था पाँच बजे उठकर और ये आठ बजे भैया आप पूजा हो रही देख लो देख लो ये तरह इस तरह भी खूब बनाया जाता है क्यों कद इंडिया भाई साहब सब चलता है क्या कह रही थी आप हाँ, सुबह सुबह जग तो जाए आठ बजे तक अच्छा तो मतलब नींद नहीं खुलती ना जल्दी सुबह सुबह उठ के जगना चाहिए और क्या जा जा रही रही फूल तोड़ने जा रही पूजा के तो ये भाई साहब देखिए हमारे फूलों के साथ अत्याचार हो रहा है हमारी मम्मी जी जो है सारे फूल यहीं से है, तोड़ ले जाती है ना जरूर हाँ पूजा मतलब पोलिनेशन का कोई मतलब नहीं है यहाँ हम लगाए लगाए लगा मरे जा रहे हैं हमारी मम्मी जी जो है पूरे फूल है तोड़ ले जाती है कहे मम्मी चलो टफी से हम बाय करेंगे टफी से आप बाय करें टफी ये क्या कर रहा है देखो या इधर देखो।, देखो देखो फ्रेम में देखो इधर उसे समझ में नहीं आ रहा ले चलिए इसी तरह हमारा ब्लॉग समाप्त होता है आपको ब्लॉग कैसा लगा इसे बताइएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम था जब मैंने ब्लॉग करने का ट्राई किया है अपने घर का ठीक है तो ब्लॉग कैसा लगा ब्लॉग में क्या क्या चीज़ है और होनी चाहिए हु? वैसे मैंने अभी तक नहाए नहीं है मैं बस अभी बस पानी डाला और रिवीजन कर रहा था क्योंकि मेरा पेपर है नौ नवंबर को एसएससी का तो मैं जब जस्ट रिवीजन कर रहा था तो अभी एक्सरसाइज करूँगा एंड देन नहाऊँगा ठीक है बाय